बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 का 4 पार्ट करने लगे हैं। फैक्टराइज सबसे इजी मेथड के साथ, एक्स स्क्वायर माइनस 11x 152। हमने पहले क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, इस तरह एक्स स्क्वायर माइनस 11x, ये 152 है, इस तरफ आएगा तो माइनस 152 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इसको हमने क्या करना है, फैक्टराइज में फर्स्ट कांस्टेंट नंबर को और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ कोई नहीं है तो हम सिर्फ इसी को करेंगे, 152 रफ वर्क में किसी दो ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करना है कि 152 तो आए लेकिन प्लस या माइनस करें तो 11 आना चाहिए। तो हम करते हैं इसको 9 को 8 से, अगर करते हैं 19 को 8 से, किसी को समझ नहीं आती तो वो इस तरीके से भी कर सकते हैं, एलसीएम लेकर मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। जैसे कि 27 का, 23 का, 2, तो इस तरह भी कर सकते हैं, 22 का 4, 42 का 8। हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करें या इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को करें, उनको प्लस माइनस करें, तो इनको किसी भी तरीके से इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें या इसके साथ या इसके साथ, ताकि आपस में प्लस माइनस करने से 11 दरमियान वाला नंबर आए। तो हमने सजेस्ट किया तो ये 11 से आया, 19 को 8 से। एक्स स्क्वायर माइनस 19x प्लस 8x माइनस 152 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका रफ वर्क है, इसमें आपने बड़े डिजिट के साथ साइन ऊपर वाला लगाना है। जैसे कि यहाँ माइनस है तो इन दोनों में से जो बड़ा है उसके साथ माइनस, अगर प्लस है तो बड़े के साथ प्लस, नेक्स्ट वाला साइन आपने खुद सजेस्ट करना है, प्लस या माइनस हम लगाएं ताकि हमारा दरमियान वाला नंबर आ जाए। तो आगे हमने क्या करना है, कॉमन एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 19, इन दोनों में से एक्स कॉमन आ गया, यहाँ से हम 8 कॉमन लेते हैं, तो अंदर क्या रह जाएगा, एक्स माइनस 19, ये दोनों सेम आने चाहिए एट एनी कॉस्ट। जब ये दोनों सेम होंगे तो ये कॉमन ले लेंगे हम, एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब क्या करेंगे, एक्स माइनस 19 ये भी ज़ीरो के इक्वल, एक्स प्लस 8 ये भी ज़ीरो के इक्वल। अब एक्स इज इक्वल टू 19 इस तरफ जाएगा तो प्लस साइन में आ जाएगा, एक्स इक्वल टू 8 प्लस में इस तरफ आके माइनस 8, तो हमारा ये सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा, 19 एंड माइनस 8, ये आपका फैक्टराइज हो गया।